तो ये मुखिलिफ डिबेट्स कंडक्ट हो रही हैं और दोचे वेल है। जो जर्मनी का चैनल है स्टेट चैनल आप इसको कह सकते हैं उन्होंने ये डिबेट कंडक्ट की जिसका टॉपिक था कि डज जर्मनी नीड इमिग्रेशन और उसके ऊपर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग किस्म के ओपिनियंस और कमेंट्स जो है वो लोगों के आए ना सिर्फ वो लोग जो डिबेट में हिस्सा ले रहे थे बल्कि उसके अलावा जो कमेंट सेक्शन वहां पे था जब उन्होंने वो अपलोड की डिबेट उसके बाद तो मैं आप लोगों को समरी बताता हूँ उस डिबेट की कि उस डिबेट में हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? लेकिन उससे पहले मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड से कि क्यों मुझे लग रहा है कि ये रेलिवेंट है इसके ऊपर बात करना सबसे पहले तो ये कि आपको याद होगा जो भी लोग शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी वो क्या थी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन जर्मनी ठीक है और उस वीडियो के अंदर वो काफी डिटेल्ड वीडियो थी उसके अंदर बेसिकली दो से तीन मेन पॉइंट्स थे लेकिन मैंने उन पॉइंट्स को काफी ज्यादा एलेबोरेट किया था ये कोई तकरीबन दो साल मैंने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और जो मैंने मेन उस वीडियो के अंदर बात की थी वो ये की थी मैंने कि जर्मनी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तो नौ साल का होने वाला है कि जो यहाँ पे आप लोग हाउ टू मेक इट इन जर्मनी या हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन जर्मनी उसका सिंपल एक फॉर्मूला है और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो ये है कि आप सिंपल जो जर्मन लैंग्वेज है वो आप सीखें जो जर्मनी का कल्चर है आप ये कोशिश करें कि आप उसके अंदर इंटीग्रेट हों जो इनकी जो भी इनकी सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें हम उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें ये दो से तीन जो है ना सिंपल मेरे पॉइंट्स थे क्योंकि मैंने ये उस वीडियो में बारहा रिपीट किया था कि अगर आप लोग ये चीजें करेंगे तो आप लोगों को इसके एडवांटेजेस मिलेंगे ये कोई फोर्स आपसे करवाएगा नहीं ये कोई डिमांड नहीं करेगा ठीक है अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई शायद इसकी परवाह नहीं करेगा लेकिन आप लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल सकती हैं वो आप मिस कर देंगे ये उस पूरी वीडियो को जो है ना वो आप कह रहे हैं कि समरी थी और उसमें मैंने फिर ये बताया था कि इससे आप फिर सोसाइटी में जो है वो एक रिस्पेक्ट ले सकते हैं या आप एक एक्सेप्टेंस जो है वो ले सकते हैं और उससे होगा क्या उस एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट से कि आप आगे फिर जो भी आपका करियर है जो भी आपका प्यास है जिंदगी में जो भी आपने यहाँ पे करना है वो आप इजिली उसके अंदर आगे मूव करते जाएंगे ये था उस वीडियो में और उसका प्रिडोमिनेंटली जिन लोगों को तो वो वीडियो समझ आ गई क्योंकि थोड़ा सा उसका फिलोसॉफिकल एंगल भी था उन लोगों ने तो उसको अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने कमेंट्स भी लिखे उसके जो आ, कि आप अगर नई वीडियो आपने देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं मगर मुझे किसी ने जो है मैं फिर आपको बताता हूँ कि उस वीडियो का इस डिबेट से क्या लिंक है मगर मुझे किसी ने जो है वो आ, अभी आई थिंक पुरानी बात हो गई है एक महीना पहले किसी ने मुझे लिंक भेजा और उसके अंदर उन्होंने मुझे आ, कहा आई थिंक कोई YouTube के हमारे जो है वो सब्सक्राइबर थे तो उन्होंने कहा कि यार ये या जो आपकी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वाली वीडियो थी इसके ऊपर किसी ने जो है वो रिएक्शन दिया है इसके ऊपर किसी ने कोई कमेंट किया है पूरी वीडियो के ऊपर तो नहीं लेकिन चंद हिस्सों के ऊपर और उसमें उसने ये कहा है कि ओ तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि लोगों की रिस्पेक्ट या एक्सेप्टेंस पा सको तो इसका ये मतलब है कि तुम लोगों की ओपिनियन की बड़ी परवाह कर रहे हो अब अब मैं यार देखो इसको मैं आप ये बताता हूं कि ये इसका मतलब ये कि ये वीडियो समझ नहीं आई उसको जो ये सोच रहा है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इस तरह बेचा जाता है मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ से कि ओ लोगों की परवाह ना करो जो दिल में आए करो ये करो वो करो अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक सोसाइटी में रह रहे हो जब आप अकेले एक जंगल में तो नहीं रह रहे या आप एक आइलैंड में जाके अकेले तो नहीं रह रहे ना अब अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो और आपने यहाँ पे लोगों के साथ इंटर करना है यहाँ पे रहना है यहाँ पे काम करना है जिंदगी के मुख्तलिफ जो जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको लोगों के साथ अच्छे तल्लु रखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप चाहते हो या नहीं चाहते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं मेरा ये ख्याल है या तो उनको ये वीडियो समझ नहीं आई या या उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि कई लोगों को पूरी ज़िंदगी में अपने कभी भी रिस्पेक्ट मिली नहीं होती किसी से और वो हमेशा या तो वो बुली होते रहते हैं आप ये कह लें कि अपनी शक्ल को लेके या अपने बॉडी साइज़ को लेके मोटापे को लेके या जो भी उनकी स्कूल में कॉलेज में एकेडमिक परफॉर्मेंस रही होती है उसको लेके और ये वाकई बड़ा सीरियस इशू है कि लोग उनको हमेशा बुली करते रहे होते हैं बचपन से लेके जब तक वो बड़े होते हैं तो इसलिए जब इस तरह के लोग बड़े होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी हम हमारा कोई ताल्लुक नहीं हम किसी की परवाह नहीं करेंगे जो भी लोग कहते हैं अच्छा या बुरा और वो फिर इस तरह की ओपिनियन बनाते हैं और वो फिर इस तरह का रिएक्शन देते हैं कि यार लोगों की क्यों परवाह करते हो लोगों की अगर और देखो ये कितनी आयरनी की बात है कि कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं लोगों की परवाह नहीं करता यार अगर तुम लोगों की परवाह नहीं करते तो तुम यूट्यूब पर वीडियोज क्यों बना रहे हो सारी वीडियोज तुम्हारी पब्लिक क्यों है उनको प्राइवेट कर दो वीडियो अपने लिए बनाओ वीडियोज तो लोग लोगों के लिए ही बनाते हैं ना और किस लिए बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ताकि लोगों के साथ अपनी बात अपना ओपिनियन शेयर कर सके तो मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं है कोई लॉजिक की कि उसने क्या ये बात की है कि ये लोगों की रिस्पेक्ट की केयर कर रहा है इसलिए मैं वो पॉइंट एम्फोसाइज उस पर जरूर करना चाहता हूँ कि जब आप सिविलाइज तरीके से और जब आपकी आपको जिंदगी में रिस्पेक्ट मिली होती है जैसे मुझे रिस्पेक्ट मिली है तो मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट दूँ और इसी तरह से जो है ये सर्कल और साइकिल जो है वो चलता है तो तभी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं क्योंकि वो पॉजिटिव गुजरे हैं यहाँ पे तो जो मेरी वीडियोस बनती हैं जर्मनी के हवाले से वो भी पॉजिटिव गुजरती हैं क्योंकि वो हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस पे होती हैं अब जो जिसने ये कहा वो हो सकता है कि वो बुली होता रहा हो जिंदगी भर तो उसको ये लगता हो कि लोगों की हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए मेरा तो ये बिल्कुल ओपिनियन नहीं है मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप जिन भी लोगों के साथ रहें आप हमेशा जो है कोशिश करें कि आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें आप अपनी बात जरूर करें ये नहीं मैं कह रहा कि आप अपना जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक जो है वो खो दें आप जरूर अपनी बात करें लेकिन एक इस तरीके से करो कि जो जितनी भी हारमोनी है ज्यादा से ज्यादा वो कायम रह सके अब मैं आपको बताता हूं कि लिंक क्या बनता है उस मेरी फर्स्ट वीडियो का और ये जो डिबेट है इसका इसके अंदर जो एक पार्टिसिपेंट था डिबेट के अंदर आप ये कह लें कि वो एंटायर इमिग्रेशन था और एक जो पार्टिसिपेंट था यह थी वो प्रो इमिग्रेशन थी तो वो सारी वही बातें कर रहा था जो इंटायर इमिग्रेशन था जो मैंने उस वीडियो में कही थी जो आपको बेसिकली जिनको अवॉइड करना चाहिए जैसे कि वो ये कह रहा था जब मैं अभी आपको इसकी सेमरी बताता हूँ तो उसमें वो ये कह रहा था कि लोग यहाँ पे जब आते हैं तो वो जर्मनी में आ तो जाते हैं मेरे ख्याल में इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए जर्मनी में क्योंकि वो ना लैंग्वेज सीखते हैं ना वो कल्चर को सीखने की कोशिश करते हैं और वो जस्ट सिर्फ यहाँ पे आते हैं और सिर्फ उनको जर्मन पासपोर्ट चाहिए होता है या वो जो भी और बेनिफिट्स चाहिए होते हैं वो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स तो कर रहा था जो मैंने दो साल पहले जो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताई थी कि ये चीज़ आप अवॉइड कर लें क्यों मैंने वो बनाई थी वो मैंने इसीलिए बनाई थी कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ये भी मैं कहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि पूरा जर्मनी जो है उसका इसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे इस बंदे का है जो एंटायर इमिग्रेशन इस वीडियो में बात कर रहे हैं ये मगर फिर भी एक छोटा सा एक फैक्शन है सोसाइटी के अंदर जो इस तरह से सोचता है तो इसके ऊपर भी बात करना और इसके ऊपर भी अवेयरनेस क्रिएट करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है